अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। वो किस जगह पे है, किस सिचुएशन में है, और हम चाहते हैं कि वो दुकान बंद हो। वो दुकान वहाँ की है भी नहीं, वो दूसरी जगह से आई। शाम होने के 4 बजे बाद हम लोग का चलना मुश्किल है, बच्चे स्कूल जाना लगातार उसकी निगरानी में रहेगा। देना बंद कर दिया, लड़कियों का कोई हाथ पकड़ ले, कोई दुपट्टा पकड़ ले, कोई पैर से पकड़ ले, शांतिपूर्ण तरीके से दुकान को आप बच्चियाँ जहाँ नहीं रहे। आए दिन महिलाओं के साथ वहाँ पे आते जाते ड्रिंक किए हुए लोग छलकानी करते हैं, गलत गलत हरकतें करते हैं, गलत गलत जगह तो उनको टच करते हैं। इससे आज ही जा करके मोहल्ले के लोगों ने कल जा करके शराब ठेका के सामने प्रदर्शन किया, कहा कि हम शराब ठेका नहीं खुलने देंगे। तो हम लोग बस आपसे इतना कह रहे हैं कि हम लोग कल लोग बहुत ही उस तरह की स्थिति में जा रहे हैं, जाम करने और ये करने। हम लोग वहाँ पहुँचे, हम लोगों ने कहा कि नहीं फिर चला जाए डीएम महोदय को और यहाँ जानकारी दिया जाए। और हम लोग एक चीज बस इस आश्वासन पे लोग आए हैं लोग कि जब तक यहाँ से नहीं हटाया जाएगा तब तक हम लोग दुकान वहाँ खोलने नहीं देंगे, वहीं घेर करके पूरा गांव बैठा रहेगा। अभी तक जो आप डीएम क्या है और बाकी जगहों पे प्रस्ताव दिया है तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? कुछ नहीं, वो लोग के पास गए, वो लोग कह रहे हैं कि आज बंद हो जाएगा, कल बंद हो जाएगा, कोई बात नहीं। कितने दिनों पहले? साल भर पहले। अभी तक कोई ऐसा हादसा घटा हुआ है? कब हुआ? परसों एक लड़की का हाथ पकड़ लिया है, ड्रिंक करने के बाद नारा है, उसी पर खड़ा हो जाते हैं, डायरेक्ट बाथरूम करते हैं, हम लोग को आने जाना मुश्किल हो गया वहाँ से। मतलब पब्लिक के साथ किसी तरह का नेसेंस क्रिएट नहीं होगा, ना ही उनकी सुरक्षा के साथ। थैंक यू मैडम।